आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 20x50। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, इसका साइज है 20x50। ये बेसमेंट के साथ पूरा कंप्लीट प्लान बना हुआ है। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंप्लीट प्लान बना हुआ है फुल वेंटिलेशन का, देख सकते हैं विथ बेसमेंट के साथ 20x50 में, देख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है बेसमेंट की। बेसमेंट की हाइट मैंने 9 फीट दी है, 5 फीट रोड से ऊपर और 4 फीट रोड से नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं रोड से 5 फीट ऊपर है और 4 फीट नीचे है। इस तरीके से प्लान मैंने बनाया है कुछ, देख सकते हैं। बेसमेंट में कार पार्किंग दी है, पूरा हॉल दिया है, सीढ़ियां और रैंप बनाने में आपका 6 फीट स्पेस यूज हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रैंप आपकी बनाई है और सीढ़ियां जो बनाई है आपका 6 फीट यहाँ पे यूज हुआ है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेसमेंट की। बेसमेंट मैंने यहाँ पे 9 फीट का शटर लगाया हुआ है, ये आपका शटर 9 फीट का लगा हुआ है। रैंप आपकी कुछ इस तरीके से बनी है, बहुत ही आसानी से कार पार्क हो जाएगी शटर खोल के, देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको पूरा हॉल मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको हॉल मिलेगा पूरा 20x44 का, देख सकते हैं आप पूरा हॉल है। उसके बाद अब बात आती है सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ आपकी मैंने कुछ इस तरीके से गिनती हैं, अगर आप ऊपर बाइक पार्क करना चाहते हैं बाइक भी आप ऊपर पार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं रैंप बनाई है मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हैं अपने हिसाब से, डेकोरेट कर सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। उसके बाद आपको मेन गेट मिलेगा, गेट से आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके दिख जाएगा। गेट मैंने 6 फीट का दिया है आपका, ये गेट आपका ये 6 फीट का दिया है। गेट से आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे जीने के नीचे स्पेस मिल जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके जीने के नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको जीना मिल जाएगा तुरंत, जीना आपका 3 फीट का दिया है, देख सकते हैं जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया है, जीना आपका 3 फीट का है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 गेट दिखेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो आपको बैठक मिल जाएगी, अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पर बैठक मिल जाएगी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बैठक मिल जाएगी। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 12x13 इसका मैंने साइज दिया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो मैंने रोड साइड से उपलब्ध कराई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें आपको 2 फीट का छज्जा भी निकाल के आपको बालकनी दी है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके 2 फीट का आपका छज्जा निकला है, यहाँ पे बालकनी भी मिल जाएगी आपको बैठक में। इंटीग्रेट मैंने कुछ इस तरीके से दिया है, आप बालकनी में आ जा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बैठक से घर के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मैंने इस साइड गेट उपलब्ध कराया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं डायरेक्ट आप बैठक से घर के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो आप डायरेक्ट घर के अंदर जाएंगे, विंडो भी मैंने उपलब्ध कराई है वेंटिलेशन के लिए, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉल मिल जाएगा, काफी पर्याप्त आपको हॉल मिल जाएगा। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 9.5x18, 9.5x18 इस हॉल का साइज है, देख सकते कुछ इस तरीके से 9.5x18। उसके बाद जस्ट बैठक के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं ये आपको एक बेडरूम मिल जाएगा। इंटीग्रेट मैंने इस साइड से दिया है, विंडो भी आपको उपलब्ध कराई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इस बेडरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 12x10, इस रूम का साइज दिया हुआ है 12x10। इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाएगी, इंटीग्रेट मैंने कुछ इस तरीके से दिया। वेंटिलेशन के लिए मैंने पीछे से आपको रोशनदान दिया, 2 फीट का स्पेस छोड़ के रखा है, यहाँ पे आपका जाल रखा जाएगा, देख सकते 2 फीट का आपका स्पेस छोड़ के रखा है। यहाँ पे आपका इस रूम का भी वेंटिलेशन होता रहेगा, देख सकते यहाँ पे रोशनदान मैंने लगा दिया। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 6x7, इसका मैंने साइज दिया हुआ है, देख सकते 6x7। उसके बाद यहाँ पे आपको सामने 2 एंट्री गेट दिखेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो आपको किचन मिलेगी सबसे पहले,
देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए मैंने कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे खिड़की उपलब्ध कराई है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको खिड़की उपलब्ध कराई है। तीन प्रकार यहाँ पे स्पेस लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने इस रूम का गेट भी दिया है, अगर आप कूलर लगाना चाहते कूलर भी लगा सकते हैं। ऊपर जार रखा जाएगा, इस रूम का भी वेंटिलेशन होता रहेगा और किचन का भी वेंटिलेशन अच्छा खासा होता रहेगा। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 6x8.5, 6x8.5 फिट की किचन है आपकी, 6x8.5 फिट की किचन है आपकी। देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट मैंने इस साइड से दिया है आपको, जैसा कि मैंने बताया वेंटिलेशन के लिए विंडो भी इस साइड से उपलब्ध आई। यहाँ पे मैंने 3 फिट का गेट भी दिया है, आप गेट खोल के कूलर भी रख सकते बहुत ही आसानी से। यहाँ पे स्पेस दिया मैंने यहाँ पे 6x3 का, देख सकते हैं ऊपर जाल रखा जाएगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा इस रूम का। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 12x13, 12x13 इस रूम का साइज मैंने दिया है 12x13। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पूरा प्लान मिलता है, 2 बेडरूम मिलता है, 1 लिविंग एरिया मिलता है, यहाँ पे आपको बड़ा सा हॉल मिलता है, बड़ी सी किचन मिलती है, बड़ी सी आपको लैट्रिन बाथरूम मिलती है, फुल वेंटिलेशन मिलता है, 3 फिट का आपको जीना मिलता है। यहाँ पे आपको बैठक में भी आपको यहाँ पे लॉबी मिलती है। देख सकते हैं आप, अब बात आती है लास्ट पे अटिया की, जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको कंप्लीट अटिया दिख जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी कंप्लीट अटिया बनी हुई है आपकी। देख सकते हैं इंटीग्रेट मैंने कुछ इस तरीके से दिया है अटिया का। यहाँ पे मैंने ग्लास का यूज किया है, देख सकते हैं अटिया में यहाँ पे उजाला बना रहेगा आपके जीने में ऑल टाइम। देख सकते हैं ऊपर वाला छज्जा मैंने 3 फिट का दिया है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं ये वाला आपका छज्जा 3 फिट का दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे रेलिंग में मैंने ग्लास का यूज किया है कुछ इस तरीके से, नीचे भी मैंने ग्लास का यूज किया है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से दी है, बहुत ही बेहतरीन लुक लग रहा है आपके घर का। जैसा कि आपसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको जाल उपलब्ध कराए जाएंगे, जाल आपके यहाँ पे दिए गए हैं 2। देख सकते हैं फुल वेंटिलेशन आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।